नमस्कार मित्रों मित्रों, जैसे कि अपने पहले के वीडियो में बातचीत हुई थी कि हम इतिहास में एक रोचक कहानियों की श्रृंखला स्टार्ट करेंगे, आज हम इन्हीं रोचक कहानियों में पहली कहानी देख रहे हैं। मित्रों, रोचक कहानियों का यह तात्पर्य यह है कि इतिहास में कुछ एक घटनाएं ऐसी हुई हैं जो किसी न किसी कारण से चर्चित रही है। इन्हीं की हम कहानियों की बात करेंगे। तो आज हम जिस टॉपिक, जिस कहानी की पहली की बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं कृष्णा कुमारी विवाद। इतिहास में, राजस्थान के इतिहास में कृष्णा कुमारी विवाद बड़ा ही प्रसिद्ध रहा है और इससे मेवाड़ का जो एक बहुत ही मजबूत राजवंश था उसको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है, नीचा देखना पड़ा है, कलंकित होना पड़ा है। तो हम बात करेंगे आज कृष्णा कुमारी विवाद। तो मित्रों, कृष्णा कुमारी विवाद है ये क्या है, कैसी है, इसकी हम चर्चा करें। इससे पहले हम थोड़ी सी जिन रियासतों की बात करेंगे उनको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। जैसे ये आप मान लीजिए कि राजस्थान है और इस राजस्थान में, वर्तमान राजस्थान में जो ये कृष्णा कुमारी विवाद रहा ये किन रियासतों के मध्य रहा और वो रियासतों की स्थिति कहां कहां थी। एक तो जैसे आपने बात कर ली कि मेवाड़ है, इस राजवंश की राजकुमारी थी मेवाड़ की राजकुमारी। मेवाड़ यहां है हमारे दक्षिण में, इसका यहां पर, और यहां था मारवाड़ और एक राज्य इधर था और ये था जयपुर। इन तीनों राज्यों के मध्य कृष्णा कुमारी को लेकर विवाद हुआ है। अब विवाद का क्या था वो हम देखते हैं। ये जो कृष्णा कुमारी है, जैसे आपने देखा कि मेवाड़ सबसे दक्षिण में है, ये मेवाड़ है और इस मेवाड़ की राजकुमारी थी कृष्णा कुमारी। तो इस मेवाड़ की शासक थी महाराणा भीम सिंह और इन महाराणा भीम सिंह की पुत्री है वो कृष्णा कुमारी। इनकी पुत्री कृष्णा कुमारी थी। इस कृष्णा कुमारी का जो जन्म होता है, इनकी माता का नाम था महारानी चावड़ी। चावड़ी इनकी माता का नाम था, महारानी चावड़ी कृष्णा कुमारी की माता का था। और इनका जो जन्म होता है, ये जन्म होता है मार्च, 18 मार्च को होता है, मार्च 1794 कृष्णा कुमारी का जन्म मार्च 1794 में हुआ है। अब क्या होता है मित्रों कि इधर आपने देखा है कि इस साइड में मारवाड़ राज्य है और इस मारवाड़ अथवा जोधपुर राज्य की जो शासक थे वो शासक थे राव भीम सिंह। ये जो मारवाड़ के शासक है ये अपने नाम के आगे राठौड़ वंश के शासक थे और ये राठौड़ वंश वाले शासक है ये राव बजाते थे। जैसे राव जोधा इनका संस्थापक है, इनका जो आदि वास्तविक संस्थापक कहलाता है राव जोधा, इनका जो आदि पुरुष रहता है ये आदि पुरुष है राव सिंहा। तो ये जितने भी मारवाड़ के शासक हुए हैं ये सब के सब अपने नाम के आगे राव बजा। राव भीम सिंह है ये 1793 में
मारवाड़ के शासक बनते हैं और 1803 में इनकी मृत्यु हो जाती है। अब मित्रों क्या होता है कि ये जो कृष्णा कुमारी है मेवाड़ की राजकुमारी, इनकी सगाई कर दी जाती है। इनकी सगाई किनके साथ की गई? इनकी सगाई की गई है मारवाड़ की शासक राव भीम सिंह के साथ, और राव भीम सिंह के साथ सगाई की गई, परंतु इनका विवाह नहीं हुआ। और विवाह से पहले ही राव भीम सिंह है इनकी 1803 में मृत्यु हो गई। राव भीम सिंह की 1803 में मृत्यु हो जाती है विवाह से पहले, और विवाह से पहले मृत्यु हो जाती है। तो ये जो महाराणा भीम सिंह है ये अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी की सगाई किधर कर देती है? ये कृष्णा कुमारी की सगाई जयपुर के शासक के साथ कर देते हैं। जयपुर के शासक के साथ इनकी बाद में सगाई होती है, भीम सिंह राव भीम सिंह की मृत्यु के बाद। तो यहां सगाई हुई है जयपुर के शासक, और जयपुर के शासक है इस समय महाराजा जगत सिंह द्वितीय। महाराजा जगत सिंह द्वितीय है ये जयपुर के शासक है। अब देखिए मित्रों विवाद यहीं से स्टार्ट होता है। अब विवाद क्या रहता है कि जैसे ही राव भीम सिंह की मृत्यु होती है, मृत्यु के बाद इन राव भीम सिंह के भाई थे राव मान सिंह, और ये राव मान सिंह है ये मारवाड़ के शासक बनते हैं। भीम सिंह की मृत्यु के बाद राव मान सिंह है वो मारवाड़ के शासक बनते हैं, इनके भाई हैं। और जब वो मारवाड़ के शासक बनते हैं तो जब मारवाड़ के शासक ये बन गए 1803 में, और इधर महाराणा ने इनकी पुण्य सगाई कर दी है महाराजा जगत सिंह के साथ द्वितीय के साथ, और इनको जब ये पता चलता है तो ये नाराज होते हैं। और जब नाराज होते हैं तो इधर से जगत सिंह भी इस बात पे अड़ जाते हैं कि मैं विवाह कृष्णा कुमारी से ही करूंगा। तो इस कारण, क्योंकि कृष्णा कुमारी जो मेवाड़ की राजकुमारी है इसको लेकर दो राज्यों में तनातनी हो जाती है। दो राज्य कौन से हैं? एक तो मारवाड़ अथवा जोधपुर, और दूसरा है जयपुर। अब जयपुर के महाराजा जगत सिंह है ये यहां से अपने राज्य से सेना लेती है, और सेना में प्रमुख है इधर यहां हमारे यहां टोंक था, और टोंक के एक व्यक्ति थी जिनका नाम था अमीर खां पिंडारी। मित्रों अमीर खां पिंडारी है और मराठे हैं। इनका एक ही काम रहा था 1817 से पहले, 1817 में इनको अंग्रेजों ने टोंक की रियासत दे दी, फिर ये स्थायी हो गए थे। उससे पहले ये क्या एक बड़ी सेना अपने साथ रखते थे, और सेना का काम क्या होता था भी कोई भी राजा युद्ध करना चाह रहा है अपनी तरफ इनको मिलाना चाह रहा है तो ये बदले में पैसे लेते थे और उनके लिए युद्ध करते थे, और खाली समय में ये अपने सैनिकों की पेट भरपाई के लिए वेतन देने के लिए लूटपाट का काम करते थे। तो अब अमीर खां जो पिंडारी है इसकी किराए की सेना को महाराजा जगत सिंह लेते हैं, और ये इधर मारवाड़ की ओर चढ़ाई करते हैं। इधर यह मारवाड़ में एक स्थान था गिंगोली। अब देखिए अपने को गिंगोली वैसे ध्यान रखते हैं कि गिंगोली वर्तमान में पर्वतसर तहसील नागौर में है, और यहां गिंगोली नामक स्थान पर दोनों सेनाएं आमने सामने हो जाती है। कौन सी सेना? मारवाड़ के मानसिंह की सेना और जयपुर के महाराजा जगत सिंह की सेना, और इनके बीच में युद्ध होता है जिसको कहते हैं गिंगोली का युद्ध। और ये गिंगोली का युद्ध हुआ है ये मार्च 1807 में हुआ है। तो ये इंपोर्टेंट है, इस पे मित्रों ये क्वेश्चन कंपटीशन में आ रहे हैं कि गिंगोली किस जिले में है, गिंगोली का युद्ध कब हुआ, गिंगोली का युद्ध क्यों हुआ, गिंगोली का युद्ध किन रियासतों के बीच में हुआ,
और गिंगोली के युद्ध का परिणाम क्या रहा, इस तरह के क्वेश्चन हमें ध्यान रखना है। तो ये गिंगोली का युद्ध है, गिंगोली कहा है, नागौर में, किन रियासतों के बीच में है, मारवाड़ और जयपुर शासक अपने को पता ही है, और कब हुआ है, मार्च 1857 में, और क्यों हुआ है, मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी के विवाह को लेकर हुआ है, और इसमें जीता कौन है, परिणाम क्या रहा है, तो इसमें विजेता रहा है महाराजा जगत सिंह। महाराजा जगत सिंह द्वितीय है, ये इसमें विजेता रहते हैं। अब महाराजा जगत सिंह विजेता रहते हैं तो यहां क्या है कि एक तरह से दुश्मनी की परंपरा स्टार्ट हो जाती है। मानसिंह हालांकि हार जाते हैं पर यह भी संभावना बनी रहती है कि मानसिंह इसका बदला ले। इसी बीच मानसिंह एक काम करते हैं, क्योंकि ये जो अमीर खां पिंडारी है, जो टोंक का था, ये अमीर खां पिंडारी केवल पैसे के लिए काम करता है, तो ये जो मानसिंह है, ये मानसिंह अमीर खां पिंडारी को अधिक पैसा देकर अपनी तरफ कर लेता है। इस अमीर खां पिंडारी को इन्होंने अधिक पैसा देकर अपनी ओर मानसिंह प्रथम ने मिला लिया है। अब अमीर खां पिंडारी को राव मानसिंह ने कहा है कि आप मेवाड़ जाएं और मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह को यह कह दें कि या तो कृष्णा कुमारी का विवाह मारवाड़ के शासक मानसिंह के साथ कर दें या फिर युद्ध के लिए तैयार रहे। यहां के अब चूंकि इसको पैसा दिया जाता है अमीर खां पिंडारी को, तो अमीर खां पिंडारी ये जिम्मेदारी भी लेता है कि आपके साथ ही उसका विवाह होगा अथवा राजकुमारी को समाप्त कर दिया जाएगा। तो यहां अमीर खां पिंडारी है, ये इनका एक तरह से दूत बनकर मेवाड़ जाता है और मेवाड़ में एक व्यक्ति से मिलता है जिस अजीत सिंह चुड़ावत। अजीत सिंह चुड़ावत के माध्यम से ये अपना संदेश मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह को पहुंचा देता है। मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह को अजीत सिंह चुड़ावत संदेश पहुंचाता है किसका, अमीर खां पिंडारी का, और अमीर खां पिंडारी किसका संदेश लेकर आया है, राव मानसिंह का लेकर आया है। और ये आकर क्या करता है, ये आकर उनको सूचना देता है कि या तो कृष्णा कुमारी का उनके साथ मारवाड़ के शासक के साथ विवाह किया जाए या फिर युद्ध के लिए तैयार रहे। और अमीर खां पिंडारी यह भी कहता है कि अगर महाराणा ने यह बात नहीं मानी तो मैं भी मेवाड़ में लूटपाट करूंगा। महाराणा भीम सिंह मेवाड़ का दुर्बल शासक था तो वो इससे भयभीत हो गया, और भयभीत हो गया पर साथ में अमीर खां पिंडारी ने एक सुझाव भी दिया कि सभी तरह से विवाद खत्म हो, क्योंकि अगर मारवाड़ में भी कृष्ण कुमारी का विवाह कर दिया तो जयपुर का शासक है वो नाराज होगा। तो सभी तरह से विवाद का हल एक ही है कि कृष्णा कुमारी को मार दिया जाए। तो यहां अमीर खां पिंडारी की सलाह को अथवा सुझाव को मेवाड़ के महाराणा मानसिंह ने मान लिया और कृष्णा कुमारी को जहर दे दिया गया। मित्रों यहां इतिहासकार, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि कृष्णा कुमारी को यह बात पहले से पता चल गई थी और ये क्या 1794 में इसका जन्म होता है और इसकी जो मृत्यु होती है वो 21 जुलाई 1810 को होती है, यानी मात्र 16 वर्ष से भी कम आयु, क्योंकि मार्च 1794 में इनका जन्म हुआ है, 16 वर्ष कुछ महीने। तो ये 16 वर्ष की आयु में ये क्या है कि इन्हें जहर दे दिया जाता है। पर ये जब कृष्णा कुमारी को पहले से पता चल जाता है तो उसकी मां मना करती है, कौन मां, महारानी चावड़ी। महारानी चावड़ी इन्हें कहती है कि विष है मत पी, और कृष्णा कुमारी ये कहा जाता है कि ये कहते हुए जहर पी लेती है कि मेरे जाने से मेरे पिता का साम्राज्य और दो और साम्राज्य सुरक्षित रहेंगे, तो इस कारण मैं अपना बलिदान अपने वंश के लिए दे रही हूं, और यह बलिदान कृष्णा कुमारी के द्वारा दिया जाता है। मित्रों इतिहास में ये, चूंकि मेवाड़ का महाराणा भीम सिंह है वो अपनी पुत्री को मारता है,
अथवा मरवाता है जहर देकर, तो इसके कारण ये कलंकित माना जाता है। परंतु कृष्णा कुमारी की इस बात के लिए प्रशंसा की जाती है कि उसने अपने राजवंश को और अन्य राजवंशों को अपनी बलिदान देकर बचा लिया। साथी मित्रों, अपने को आगे ये रोचक कहानी पहली है, अगले वीडियो में नेक्स्ट रोचक कहानी भी आएगी। आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो लगातार आप तक पहुंचते रहे। धन्यवाद, आपने इसे ध्यानपूर्वक सुना। जय हिंद, जय भारत।